मोहब्बत की खुशबू फैलाने की तलकिन की है हमारा दीन हमें नफरत नहीं सिखाता हमें प्यार सिखाता है किसको पत्थर मारें नासिर कौन पर आया है दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है रसूल करीम वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता तो कोई अगर चाहे कि मेरे पे रहम किया जाए तो वो लोगों पे रहम करे हमारे एक बुज़ुर्ग थे तो जब भी उन्हें ग़ुस्सा आता तो फौरन माफ़ कर देते तो एक दिन फरमाने लगे कि मैं इसलिए माफ़ कर देता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा इसलिए मखलूक खुदा पर रहम किया जाए वो ख़ातून जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था रिवायत में आता है कि एक औरत जिसका किरदार अच्छा नहीं था वो गुज़र रही थी तो उसने देखा कि कुएं के इर्द गिर्द कुत्ता घूम रहा है और पानी बहुत नीचे है समझ गई कि यह प्यास का मारा हुआ कुत्ता पानी की तलाश में घूम रहा है तो उसने अपना जूता उतारा और जूते के साथ दुबट्टा बांदा और फिर उसको लटकाया और पानी निकाल करके कुत्ते को पिला दिया उसकी ज़िंदगी तो ऐबों से भरी थी गुनाहों से भरी थी लेकिन कुत्ते के साथ रहम करने के इस अमर के सिले में अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमा दी तो यार अगर एक कुत्ते को पानी पिलाया जाए तो रब जन्नत बांटता है तो इंसानों के साथ शफकत करने वालों को अल्लाह कितना कुछ अता फरमाएगा अल्लाह अकबर आइए एक फरमान और सुनिए आका करीमलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है वो उस पर ना जुल्म करता है और ना किसी को उस पर म करने देता है उसको तनह भी नहीं छोड़ता लावारस भी नहीं छोड़ता जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरा करने में लग जाता है रब रब हो के उसकी ज़रूरतें पूरी करता है और जो मुसलमान की किसी मुश्किल को किसी मुसीबत को दूर करता है उस पर आने वाली किसी मुसीबत को हटाता है कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को दूर फरमाएगा और जो किसी मोमिन का मुसलमान का पर्दा रखता है पर्दादारी करता है कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों पर, पर पर्दा डाल लेगा तो किसी का ऐब देखो तो उस पर पर्दादारी करो उसको इफ्शा करने की कोशिश करके अपने लोगों से दाद लेने की कोशिश ना करो कि इसको बड़े लोगों के राजों का पता है अगर किसी का राज मालूम हो तो पर्दा डाल दो पर्दा डालने वाला अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है वो आज ही किसी ने मैसेज किया था और मैं कुछ लोगों को आगे बढ़ा दिया कि मैं किसी के मैले कफ़न को क्यों देखूं मेरी अपनी कब्र के मामले बड़े सख्त इसलिए अपने आप को देखिए अपने अंदर उतरिए किसी की तरफ उंगली करके दूसरे की तरफ निशान लगाने वाला ये भूल जाता है कि बाकी सारी उंगलियों के इशारे उसके अपनी तरफ होते हैं तो किसी की तरफ उंगली मत उठाइए किसी के ऐब जोई मत कीजिए किसी के ऐबों से पर्दा ना उठाइए इसका सिला क्या मिलेगा अल्लाह क़यामत के दिन पर्दादारी फ़रमाएगा और उस दिन पर्दा रह गया तो फिर आखिरत बेहतर हो जाएगी हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का माल उसकी इज्जत और उसका खून हराम है उसे हक़ नहीं पहुंचता उसका खून बहाए उसे हक़ नहीं पहुंचता उसका माल चुरा ले या माल रसब कर ले उसकी इजाज़त के बगैर उसको इस्तेमाल करे और ना ही किसी की आबरू इज्जत पर कोई हमलावर हो तो अपने लिए दूसरों के लिए महब्बत और प्यार का दर्स इन अहदादी में दिया गया है इस वुनवान से बाका करीम के रोशन फ़राम हैं जो हमारे लिए खजरे हैं और ज़िंदगी के अंदर उजाले और रोशनियाँ बाँटते हैं तो हम इनको अपनी ज़िंदगी का सरमाया बनाएँ और मुसलमानों के साथ हसने सलूक अच्छे रवैये और अंदाज़ तकल्लम में नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आने का अंदाज़ ज़िंदगी बनाएँ ये हमारे